पुलिस प्रशासन उन पे फूल बरसा रही है, डॉक्टर्स उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पूरा भारत उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। हम जमातियों को सलाम करते हैं दिल से। हम 70 साल पहले भी अपना खून देकर भारत को बचाए थे और आज भी हम भारत को बचाने के लिए तैयार हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं साथ साहब की तरबियत के लिए, साथ साहब का शुक्रिया। हम तमाम भारतवासी साथ साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। और इन न्यूज चैनल्स पे थूक रहे हैं लोग तुम पे, शर्म। अब समझ में आई बात। बेचारा तभी तबलीग में एक दिन में लगाया ना होगा, उसकी बातों से मान हो रहा। जमातियों जो बोल रहा वो लेकिन जिसका वक्त नहीं लगता वो नहीं बोलता। बाकी बेचारे उसको इतनी तो समझ है माशाल्लाह। साथ साहब को बदनाम करने कई कोशिशें कर रहे हैं, कोशिशों ने तो तबलीग के अंदर रहने वाले बाद ऐसे हजरात भी कोशिश कर लिए मौलाना साहब को जो है ना बदनाम करने के लिए, तोहमतें लगाने के लिए बहुत सारे कोशिशें कर लिए। अब मोदी मीडिया ये लोग भी बदनाम करने उतरे। पहले तबलीग के रहने वाले बाद लोग बदनाम करने कोशिश कर लिए, तब भी मौलाना साहब ने जो है किसी चीज का जवाब नहीं दिए। अब भी उनके ऊपर इतने सारे इल्जाम लग रहे, तोहमतें लग रहे, मगर अभी मौलाना साहब जो है मीडिया में आकर कोई बात सफाई नहीं दे रहे। मैं नहीं करा, ऐसा नहीं करा, कोई सफाई नहीं दे रहे। देखो कितना समझ रखने वाला, समझ बूझ रखने वाला भक्साधी, देखो कितनी अच्छी प्यारी बात बोल रहा। साहब अपनी तारीफ नहीं कर रहे, ये जमात वाले अपनी तारीफ नहीं कर ले रहे, उनके करने के अच्छे अमाल को देखकर खुद जो बाहर वाले लोग जो देखकर वो लोग तारीफ कर रहे। सुन रहे ना, हम जमात वाले की तारीफ हो रही, मौलाना साहब की तारीफ हो रही, जितना उनको बदलाव करने की कोशिश कर रहे, अल्लाह इतने इज्जत दे रहे हैं उनको, दे रहे ना इज्जत अल्लाह पाक। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे आलम में अल्लाह पाक इज्जत दे रहे। हाँ, पूरे आलम के अंदर मौलाना साहब के लिए पूरे आलम के अंदर दुआएं हो रही। हाँ, पूरे आलम के अंदर दुआएं हो रही माशाल्लाह। शर्म करो, जो मौलाना साहब को जितने दुश्मना है पूरे शर्म करो, अल्लाह कैसी इज्जत दे रहे उनको। जितना बदनाम करने की कई दिनों से कोशिश कर रहे वो लोग भी इतना अभी तक कामयाब नहीं हुए। क्या हासिल हुआ